दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ यार कमल और आप देख रहे हैं यार कमल। दोस्तों कल का दिन बहुत ही बेहतर दिन गया और जबरदस्त दो अपडेट आप लोगों को देखने को मिले होंगे। एक तो ढिल्लन सर का अपडेट था कि ऑन पैसिव और बड़ा होता जा रहा है, धैर्य रखें, और दूसरा था एस मोफरा की तरफ से कि ट्रैफिक डेट आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। जिस दिन भी ट्रैफिक आएगा उससे पहले आपको डेट दे दी जाएगी, ऐसा एस सर का अपडेट था। और इन दोनों अपडेट में क्या है मिला जुला, मैं आपको इसको बताऊँगा वीडियो के अंत तक आप ने रही है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा इस चैनल को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऑन पैसिव का जो 2024 जितना निकट आ रहा है और दिसंबर जितना कम होता जा रहा है तो उतना ही हम सब लोगों की फाउंडर की दिलों की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं और इस अंधे उस उम्मीद और में हम सब लोग हैं कि क्या होगा दिसंबर मिड में और दिसंबर 25 तक या दिसंबर एंटिल एंड तक। तो क्योंकि बहुत 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 बड़ी अपडेट्स लगातार आपको को लोगों को मिल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी सभी लोग अपने अपने मैसेज छोड़ रहे हैं। जैसा कि ढिल्लन सर का मैसेज सबसे ज़बरदस्त मैसेज था, गेम ऑन। जी हाँ, गेम ऑन हो चुका है और बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। वैसे तो ऑन पैसिव बहुत टॉप की तरफ है, बड़े से बड़े की ओर बढ़ ही रहा है और बहुत जल्दी ये सब होने वाला है। उसी के दरमियान एस सर का जो मैसेज आया था वो मैसेज तो वाकई बहुत ज़्यादा गौर करने वाला है कि और से हम लोग की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है कि बिल्कुल हम लोग सब लोग ट्रैफिक पाने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। क्योंकि एस सर का जब भी कोई मैसेज आता है सोशल मीडिया पर आता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह के से मैसेज आता है तो उस मैसेज को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में वो मैसेज आप लोगों को दे दूंगा क्या मैसेज था, मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। और दोस्तों ढिल्लन सर का भी मैसेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बस कर दे। दोस्तों आप लोगों का प्यार मुझे चैनल पे बहुत जबरदस्त मिला है और मिल रहा है और मैं हमेशा आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ और सभी फाउंडिंग मेंबर्स के हितों की हमेशा बात करता हूँ, टेक्निकल टिप्स भी देता हूँ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से सभी फाउंडिंग मित्रों की सपोर्ट भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और बेताब भी रहता हूँ कि इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग हमारा एक परिवार है, आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि ऑन पैसिव एक फैमिली है और इस फैमिली का एक एक सदस्य चाहे वो दुख में हो, दर्द में है, चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है, उसकी भावनाओं को समझिए और उसका साथ दीजिए। कोई भी आदमी यूं ही फायर नहीं होता, अगर कोई फायर है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई नेगेटिव है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियाँ हों जो उसका उद्देश्य की पूर्ति कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही, क्योंकि हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ ज़्यादा पाने के लिए यहाँ हैं। जो हम सबके ड्रीम्स थे उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आए थे और जैसा कि ढिल्लन सर ने कहा है कि धैर्य बड़ा करना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा, तो हम सब लोग धैर्य को तो जीत चुके हैं और अब धैर्य बिल्कुल हम सब लोग लबालब है और अब धैर्य रखने की बिल्कुल घड़ी आ चुकी है। क्योंकि दिसंबर का मन जिस तरह से ऐसर ने कहा था और उसके बाद भी बहुत कुछ बड़ा अब होने जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है 2018 से लेकर के अब तक और इस सफ़र में ऑन पैसिव को बहुत ही बड़े मुकाम पर लेकर के पहुँचे, बहुत टॉप की तरफ ऑन पैसिव को लेकर के पहुँचे हैं और इसमें सभी लोगों का अंशदान है, सभी यूट्यूबर्स का अंशदान है, सभी फाउंडिंग मेंबर्स का अंशदान है, जो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं उन लोगों का अंशदान है, जो भी नियर एंड डियर को ऑन पैसिव के बारे में बताते हैं उनका भी योगदान है और जो ऑन पैसिव को लेकर के दूसरों के माध्यम से जो नॉन ऑन पैसिवियन है उनकी बातें भी सुनने का हम लोगों ने साहस बटोर लिया, उसको उन जिन्होंने इस तरह की बातें सुनी हैं या जिन्होंने सुनाई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऑन पैसिव अब बिल्कुल आप सब लोगों के सामने रिजल्ट ओरिएंटेड होने जा रही है और हम सब लोग रिजल्ट ओरिएंटेड किसको कहते हैं, सारे जो भी नॉन फाउंडिंग मेंबर्स हैं या जो ऑन पैसिव के नहीं है, जिन्होंने अभी तक ऑन पैसिव को ज्वाइन नहीं किया है, वो इसमें केवल विड्रॉल को देखते हैं, बैंक विड्रॉल को देखते हैं और उन पर पैसे से तुलना करते हैं। ऑन पैसिव में पैसे की बात तो बाद में होगी क्योंकि जब ऑन पैसिव है तो पैसा तो आएगा ही आएगा, बाई डिफ़ॉल्ट आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑन पैसिव में पैसा बाई
डिफ़ॉल्ट आएगा, मगर मैंने जब भी वीडियो में कहा होगा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कहा होगा कि जिन चीज़ों पे हम सब लोग फोकस कर सकते हैं वो चीज़ें जल्दी आ जानी चाहिए थी, जो कि थोड़ा सा उसमें विलम्ब हुआ, टेक्निकल चीज़ें थी या जो भी वजह रही है, मगर फिलहाल अब ऑन पैसिव ऐसे, मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे गेट पर है, ऐसे मुहाने पर है जहाँ से सिर्फ अब रिज़ल्ट ही रिज़ल्ट आने हैं, और वो रिज़ल्ट आप सब लोग समझ रहे होंगे वो रिज़ल्ट क्या होते हैं, क्या आप लोगों को इंतज़ार है और किसको आपने जवाब देना है। तो उनको तो अपने आप ही जवाब मिल जाएगा जो अभी तक ऑन पैसिव को समझ नहीं पा रहे हैं, ऑन पैसिव के अंदर इन नहीं हो रहे हैं, या गेट पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो आएगा तो मैं आऊँगा, पहले पैसा आएगा तो मैं आऊँगा, पहले ट्रैफिक आएगा तो मैं आऊँगा, पहले उसको मिलेगा तब मैं आऊँगा। तो ये टूचल में आता हूँ कि जब भी इस तरह की कहानी बचपन में सुनी थी, और ऐसी कहानी से हमेशा नुकसान ही होता है, अति अति अधिक वेट नहीं करना चाहिए, जो गो विद द फ्लो, अगर हम लोग किसी सिस्टम में हैं तो उस वो जब चल रहा है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ करेगा, और जो कि करने के लिए बिल्कुल बेताब है। जब ट्रेन चल रही होती है, अगर कोई ये कहे कि पहले आप, तो ट्रेन छूट जाती है, जो पहले चढ़ चुका होता है उसको ट्रेन का मज़ा लिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अंत तक आप बने, इसका बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद।